यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो लोग? उनको तो अच्छे होंगे। तो आज इंडियन कार सिमुलेटर 3D के बहुत ही बड़ा एक न्यूज़ आई है इसके मैप को लेकर। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करना। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इंडियन कार सिमुलेटर 3D में जो ये जो पुराना सा मैप है ना, ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आया है, लेकिन अभी पुराने टाइप का मैप वापस ऐड हो रहा है, मतलब थोड़े से हिल्स वगैरह मिलाकर पहाड़ टाइप का। तो अभी आप लोग के स्क्रीन में फोटो आ रहा होगा, बहुत ही टूटे फूटे रास्ते हैं, और अभी इसके कंट्रोल्स भी ठीक से नहीं दिख रहे हैं गाड़ी के। शायद से पूरे हाइट करने का ऑप्शन मिल गया है अभी, और नीचे आप लोग देख पा रहे बहुत ऊंचा पहाड़ है, और भी फोटो है। तो ये एक था बहुत ज़्यादा ऊँचाई में अपने गाड़ी चला रहे, और अगला फोटो देख लो आप लोग। ये अभी तक पहाड़ बन रहा है, ये ख़त्म नहीं है, इसको अभी तक बनने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो ये बहुत ऊंचा पहाड़ है जहाँ पर अपनी गाड़ी शायद ही चढ़ पाए। और नागला फोटो देख लो आप लोग, इसमें काफ़ी सारे रोड्स वगैरह है जो कि बिल्कुल रिस्की टाइप के रोड्स है, और आप लोग इनको खड़े ढलान में भी चला सकते हो। और काफ़ी अच्छे मैप वापस से आ रहे हैं, और ये भी आप लोग देख लो, बहुत ही साइड से इसको उठाया गया, और नीचे समंदर देख पा रहे हो आप लोग, ऊपर से गिरे तो सीधे ख़त्म। तो अभी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि ये वाला मैप क्या चले जाएगा, और ये आप लोग लास्ट फोटो देख लो। तो अभी मैं वो डाउट क्लियर कर देता हूँ कि ये पुराना मैप ये भी रहेगा, और इससे पहले वाला जो अपडेट है उसका भी मैप आएगा, और नया और भी नया एक और मैप ऐड होगा, यानी कि 3 मैप मिलाकर इसमें ऐड हो जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पुराना मैप चाहिए। तो आई होप आपको आज के लिए वीडियो पसंद आएगी, पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।